वेलकम टू द बिग बेंच डेली। उद्धव ठाकरे पटना से क्या लौटे, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इन दिनों जुबानी जंग तेज हो गई है। वैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं कि नेवर हिट बिलो द बेल्ट, लेकिन नेतागण तो एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में बोलना शुरू कर चुके हैं। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव को वंशवादी क्या कहा। उद्धव तो फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बारे में बोलने से भी बाज नहीं आए। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप में कम से कम बीवी बच्चों और परिवार को तो छोड़ देना चाहिए ना, लेकिन इनकी लड़ाई घर के चौखट पर ही नहीं आ गई है बल्कि घर के अंदर घुस चुकी है। अब बारी आई एक फिल्मी डायलॉग की। ये डायलॉग मारा फडणवीस ने और उद्धव को कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। वैसे ये है तो एक्टर राजकुमार का डायलॉग और बहुत फेमस भी है, लेकिन फडणवीस ने ये क्यों कहा इसको समझाया सीएम एकनाथ शिंदे ने, जब वो मराठा मंदिर संस्था के कार्यक्रम में बोल रहे थे और वहां पर शरद पवार भी मौजूद थे। सीएम शिंदे ने कहा कि फडणवीस के पास उद्धव ठाकरे का कच्चा चिट्ठा है। यहां तक कि सीएम शिंदे भी कई बातें उद्धव के बारे में जानते हैं लेकिन वो इसको कहने से बचते हैं। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि पास्ट में और रिसेंटली भी जब उद्धव को मदद की जरूरत पड़ी देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मदद की है, यहां तक कि पीएम मोदी ने भी उनकी मदद की है, लेकिन आज उद्धव कृतज्ञ हो गए हैं, मतलब एहसान फरामोश। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ये बात सीएम शिंदे ने खुद शरद पवार के प्रेजेंस में कही तो कहीं वो ये तो नहीं चाहते थे कि ये मैसेज उद्धव तक खुद शरद पवार पहुंचाए, ये मैसेज पहुंचाए कि भाई तुम्हारी दुखती नस तुम्हारे अपोनेंट्स के हाथ में है, इसलिए खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो भैया। एकदम आखिर में सीएम शिंदे ने उद्धव के लिए यह भी कहा, ये सब तो बाला साहब का पुण्य है वरना। इतना कहकर सीएम शिंदे रुक गए। वो कहना क्या चाहते थे, क्या वाकई उद्धव बीजेपी के एहसानों तले दबे हैं? आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।